देहरादून में बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और उत्तराखंड की राजधानी भी है, जिसकी वजह से और भी बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस हैं यहाँ। तो उस हिसाब से देखा जाए बल्लूपुर चौक यहाँ से सीधे रास्ता ले जा रहा है भक्तेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से, ये माता महाकाली मंदिर जो ONGC के सामने लेफ्ट साइड पे है, ये आप देखें। और उन्हीं बड़े प्रतिष्ठानों में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का भी ऑफिस यहाँ इसी चौराहे पे है दाहिनी तरफ। ऐसा हुआ करीब करीब एक घंटे की बारिश करी हुई है, मेन चौराहा देखिए रास्ता खुलता हुआ आ रहा है, वो बल्लू की चौक और सब्जी मंडी, और उसके बाद बाबा ने कुछ दिखाने के लिए ही मुझे इधर बाईं तरफ को मुड़वाया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टेडियम। B.R. अम्बेडकर जो कि भारत के संविधान के निर्माता, और ये सामने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस, और ये मैदान पानी को सड़क पे उछालते हुए मज़ा लेते हुए गाड़ियां पार कर रही, देखिए सीधे बाईं तरफ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टेडियम जो कि ONGC वाले गेट के ठीक पास ही है। सप्तेश्वर महादेव मंदिर से जो ISBT को जो रास्ता गया है उसी पे थोड़ी दूरी थे एक ऑफिस, ये भी तालुकदार अधिवेशन भवन का दृश्य जो सीधे सप्तेश्वर महादेव चले गए गढ़ी चौक की तरफ, गढ़ी कैंट और बीरपुर भी सीधे ही गया। ISBT बल्लूपुर सब्जी मंडी ISBT ट्रांसपोर्ट नगर लिखा हुआ ऊपर। सूर्योदय के थोड़ा सा पहले जो थोड़ा बहुत रोशनी है उसमें रोड टू ISBT सीधी रोड, एक से एक मंदिर मिले। सबसे बढ़िया मंदिर था वो था शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर जिसमें मैंने दर्शन भी किए, लेकिन जिसमें मैंने दर्शन किए वो थोड़ा सा नया बना हुआ था, उसके जस्ट थोड़ा इधर एक और प्राचीन मंदिर था। उस समय क्योंकि थोड़ा आने का था इस वजह से उसमें दर्शन नहीं किए। मौसम बहुत साफ इस समय, ऊपर देखिए सामने पहाड़ों के दर्शन। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बहुत ज़ोर से आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, और 13 से 15 अगस्त तक सिनर्जी हॉस्पिटल घर घर तिरंगा फहराने का एक मुहिम है। देखिए कहां तक सफल होती है, लेकिन फिर भी एक देशभक्ति वाला अप्रोच तो माना ही जा सकता है। पहले एक समय तिरंगा ध्वज को कोई फहरा नहीं सकता था, लेकिन जिंदल साहब जो कि स्टील जिंदल स्टील के मालिक उस समय थे, उन्होंने कोर्ट में एक वन विहार कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, और उसके बाद ये हुआ कि हर आदमी घर पे तिरंगा फहरा सकता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है उसकी,
उसकी जो देख रेख उसमें थोड़ा सा लापरवाही हो सकती है। देखिए तिरंगे के रंग में सजाया हुआ पूजा मार्केट, हो सकता है हुंडई BPM हुंडई तिरंगा फहराने के जो दिशा निर्देश हैं उनको पालन करने में कुछ लापरवाही हो सकती है और वो अच्छा नहीं होगा। विद्यापीठ बल्लूपुर 28 मिनट स्थली देहरादून का ये व्यू, पीछे पहाड़ दर्शन जो आगे दिखाई नहीं पड़ेंगे क्योंकि उस साइड के बीच में काफ़ी बिल्डिंग्स आ जाएंगी। ये गायत्री प्रज्ञापीठ या शक्तिपीठ, ये शहीद प्रमोद सजवाण फ्लाईओवर, इसके नीचे से सीधे चले जाएंगे ISBT, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो घंटाघर और इसी चौराहे पे क्षेत्रीय पार्षद अंकित अग्रवाल द्वारा देख रेख में ये मंदिर, इसके शिखर के दर्शन, जय बाबा जय मंगल जय महाकाल। हरी प्रमोद सजवाण फ्लाई ओवर, यहाँ से सीधे जाना जाते जाता है। देखिए चारों तरफ से मसूरी सीधे रास्ते गया, हम तो देख के पता लग सकता है कितना ट्रैफिक है इस रोड पे। देखिए पीछे वहाँ तक जाम लगा हुआ है और ये आगे आगे जाने पे, लेफ्ट जाने पे कामली रोड, दून अस्पताल और रेलवे स्टेशन यहाँ से 4 किलोमीटर, बसंत विहार राइट जाएंगे 2 किलोमीटर, ITBP सीमा द्वार 4 किलोमीटर और इंदिरा नगर राइट जाके ही है। इंदिरा नगर यहाँ से राइट जाएंगे तो आगे 3 किलोमीटर पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है। देखो इस जगह कम से कम 300 मीटर या 400 मीटर